नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़वानी जिले के नांगनवाड़ी थाने के बाल समुद्र प्लास्टिक के कैरेट के नीचे छिपाकर ले जा रहे मादक पदार्थों को पुलिस ने जब्त किया है। वहीं मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग निकला। वहीं पुलिस थाना नांगनवाड़ी प्रभारी यशवंत बडोले ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन MP68G0722 में रतलाम से महाराष्ट्र की ओर टोडा चूरा प्लास्टिक के कैरेट के नीचे छिपा कर ले जाया जा रहा था। वही मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बघाड़ फाटे पर पिकअप वाहन को रोक कर तलाशी ली, जिसमें से 3 क्विंटल 95 किलो टोडा चूरा पाया गया है। मौके से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग निकला। वही आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है। इस दौरान बल समुद्र चौकी प्रभारी अनिल दशोदी का सहयोग रहा है। सर, कोई डोडा चूरा का मामला आपके थाने क्षेत्र में है? हाँ, कल हम लोगों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रतलाम से जुलवानिया होते हुए बघाड़ का जो रोड है आरटीओ ट्रेलर छोड़ के वहाँ से एक पिकअप अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरकर आ रही है। यदि बघाड़ फाटे पर अपन चेकिंग लगा लेंगे तो आप लोगों को सफलता मिल जाएगी। तो मेरी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा बघाड़ फाटे पर चेक पॉइंट लगाया था और वहाँ से उस पिकअप को पकड़ा था। उस पिकअप में हम लोगों ने दो व्यक्तियों को पकड़ा था और टोटल डोडा चूरा था 3 क्विंटल और 95 किलो के आसपास पकड़ा और उसको जब्त किया गया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आज PR एक आरोपी का लिया है। एक आरोपी नाबालिग होने की वजह से उसको बाल संप्रेषण गृह में भेजेंगे। जुलवानिया से हुसैन सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।